कन्हैया के पर्दे, तो वो उनका बराबर वो कर ही नहीं सकते। कन्हैया कुमार ने जो स्टूडेंट के लिए किया, जो सपोर्टिंग उन लोग की रही है, वो तो खैर उनके बराबर में कोई आ ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, कन्हैया कुमार ऊपर है, एक नंबर में है अभी। कन्हैया कुमार इज़ द बेस्ट। हाँ, जो गिरिराज सिंह को टक्कर दे सकते हैं, और हमें कन्हैया कुमार को ही जिताना चाहिए। गिरिराज सिंह की बात है तो वीजा मंत्री सबको पाकिस्तान का वीजा दिए हुए फिरते हैं इसे, और मतलब कि दंगा फसाद वाला बयान एकदम देते हैं। जो व्यक्ति ये सोचता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो हमारा भविष्य क्या बनाएगा? आई थिंक बेगूसराय से तो कन्हैया कुमार निकलेंगे। पक्का लग रहा है? यस yes, पक्का। चुनाव में मोदी की लहर था, उसी तरह इस बार कन्हैया का बेगूसराय में लहर है, उसके विपक्ष में कोई नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। हम चले आए हैं पटना, और पटना शहर में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, वो है गांधी मैदान। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24x7। एक बार तमाम जितने भी यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। जी हाँ, पटना में है, लेकिन जानकारी जो चल रही है वो है बेगूसराय का, कन्हैया का क्षेत्र, कन्हैया का गढ़, कि कौन जीतेगा, किस पर भारी पड़ेगा, कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह। यहाँ के स्टूडेंट्स लोग हैं, और स्टूडेंट्स लोग का ही महत्वपूर्ण, हमारे देश का नंबर वन होता है वो स्टूडेंट्स होता है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी स्टूडेंट है, JNU के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और यहाँ पर जो चर्चा चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में यही बात हो रही है सवाल में, कि मैं पटना में हूँ लेकिन बेगूसराय के बारे में जानकारी ले रहा हूँ कि कन्हैया बनाम गिरिराज सिंह में कौन बाजी मारता है। यहाँ के स्टूडेंट्स से भी जानकारी लेते हैं। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा पपलेश कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ मैं। पढ़ाई कर, कन्हैया बनाम गिरिराज सिंह, क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार का दबदबा बढ़ेगा कि घटेगा? जी बिल्कुल, कन्हैया कुमार ऊपर है, एक नंबर में है अभी। क्यों, क्या वजह है ये विवादित बयान के लेकर? नहीं, ये छात्र हित के लिए और देश के जनता के प्रति सोचते हैं, इनको संसद तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी आपको लग रहा है कि गिरिराज सिंह को चुनौती देंगे? जी बिल्कुल, गिरिराज सिंह को चुनौती देंगे कन्हैया कुमार। लेकिन तीसरा पर्सन है, वो है तनवीर हसन RJD से। जी उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कन्हैया कुमार हमको बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, एकदम अच्छा लगने से जीतना चाहिए ना? नहीं, उनका सोच थिंकिंग सब कुछ बेटर है। जी ये लग रहा है आपको? जी नमस्ते, क्या नाम हुआ? कुंदन सिंह। बताइए कुंदन जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है बेगूसराय का? एक्चुअली माहौल तो आप देख ही रहे हैं, और नहीं देख रहे हैं, बतलाइए। माहौल तो जैसा इलेक्शन का चल रहा है, चुनाव का, और जैसा कि भाई जी बोले हैं कि कन्हैया कुमार बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। उम्मीद है कि गिरिराज सिंह को टक्कर देंगे? हाँ, वो टक्कर दे देंगे। आप बताइए, सुना है जी, बतलाइए क्या लग रहा है? आई थिंक कन्हैया कुमार इज़ द बेस्ट। हाँ, जो गिरिराज सिंह को टक्कर दे सकते हैं, और हमें कन्हैया कुमार को ही जिताना चाहिए, क्योंकि वो JNU के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं छात्र संघ के, इसलिए उनके पास बहुत सारी नॉलेज भी हैं हमारे पॉलिटिक्स के बारे में, हमारे सोसाइटी के बारे में, और भी थिंक। जिसे एक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पुलवामा अटैक के दिन, उसके 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके एक दिन पहले क्या हुआ, 4 एयरपोर्ट, गवर्नमेंट एयरपोर्ट जो बेचे गए प्राइवेट के हाथ, और न्यूज़ वालों ने हमें नहीं दिखाया, लेकिन कन्हैया कुमार ने अपने एक सभा में कहा कि सरकार 4 एयरपोर्ट को बेच दी, सो कन्हैया कुमार इज़ अ परफेक्ट। एंड वन थिंग इज़ दैट, कन्हैया कुमार जैसा कि JNU के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि हम स्टूडेंट के पास क्या समस्या है, हम किस समस्या, किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम स्टूडेंट क्या फेस करते हैं, क्या सोचते हैं हम स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं लोगों से, तो आई थिंक ही इज़ बेस्ट। आप बताइए क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। बताइए सचिन जी, कन्हैया बनाम गिरिराज सिंह, हाँ क्या लग रहा है? कन्हैया कुमार जीतेगा, और क्या, कन्हैया कुमार। हाँ बताइए। हाँ एकदम। आप बताइए कन्हैया कुमार क्यों? क्योंकि वो मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जहाँ तक गिरिराज सिंह की बात है तो वीजा मंत्री सबको पाकिस्तान का वीजा दिए हुए फिरते हैं इससे, और मतलब कि दंगा फसाद वाला बयान एकदम देते हैं। और जहाँ तक तनवीर हसन की बात है तो मैं भी बेगूसराय से, यहाँ बेगूसराय कौन जगह से? वही बलिया से। अच्छा, यहाँ तनवीर हसन,
और वहाँ मतलब कि मुसलमान जो है मुस्लिम वोट वो भी कन्हैया के पक्ष में है, लग रहा है कि कन्हैया को एकदम जीतेंगे। वो युवा है और अच्छे नेता है, जेएनयू के मतलब टॉपर भी रह चुके हैं, इसे उनके पास नॉलेज है अच्छा खासा। बोलिए जरा क्या नाम हुआ? मेरा नाम हर्ष आनंद हुआ। बोलिए हर्ष, शुरुआत में गांधी मैदान में हो तो गांधी जी के एक थॉट से कहना चाहता हूँ। वाह बहुत बढ़िया। गांधी जी ने 1914 ईस्वी में कहा था विद द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, मतलब आप जो चेंज दुनिया में लाना चाहते हैं सबसे पहले वो खुद से शुरुआत कीजिए। अभी भाई ने बहुत अच्छा कहा और आप ने भी बहुत अच्छा कहा कि हम कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह की तुलना कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये प्रजातंत्र है, सब में तुलना होना चाहिए, मुझे नरेंद्र मोदी जी में भी हो सकता है। पर जहाँ तक बात रही इस बात की, अब सबसे बड़ा दुख का बात हम लोग का देश में ये हो गया है कि अगर आपको राजनीति में आनी हो या किसी भी पहलू में जानी हो तो आप एक कोई एक बयान दे दीजिए, किसी के खिलाफ दे दीजिए, अपने राष्ट्र के खिलाफ दे दीजिए, किसी धर्म के खिलाफ दे दीजिए, किसी के खिलाफ दे दीजिए, आपको देश का हीरो बना दिया जाएगा। वही बात वहाँ भी हुआ। हम बस वो बात को देखना चाह रहे हैं, हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो ये बात बोल दे उसके बाद आप अब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही करके तो हमने देश का बंटवारा करवाया, पहली बात ये रही। दूसरी बात रही, भाई ने कहा कि मुसलमान वोट और हिंदू वोट, हम क्या हर वक्त तक, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज हम लोग 1947 में आज़ाद हुआ, 2019 में हम लोग चल रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क हर देश जो है वो प्रगति देख रहे हैं और आज तक हम बस ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम वोट किसे जाएगा, हिंदू वोट किसे जाएगा, हिंदू वोट में यादव वोट किसे जाएगा, ब्राह्मण वोट किसे जाएगा। क्या हम अब तक बस ये सोचते रहे? बेगूसराय गंगा के किनारे का शहर है, मैं मिथिलांचल से हूँ, आप बस ये देखिए मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ मुसलमान आबादी है और हिंदू अल्पसंख्यक है, पर फिर भी सब में भाईचारा है। और कुछ देर पहले भाई ने कहा क्या जो गिरिराज सिंह सबको पाकिस्तान का वीजा दे देते हैं या फिर किस देते हैं, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ नहीं, ना मैं कांग्रेस का हूँ, मैं छात्र हूँ। बस मैं सिंपल और एक बात बस कहना चाहता हूँ, हम चुन किस रहे हैं? हम जैसे चुन रहे हैं, कन्हैया कुमार को चुने, नरेंद्र मोदी जी को चुने, राहुल गांधी को चुने, केजरीवाल को चुने, किसी को चुने, यासुद्दीन ओवैसी को चुने, हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे धर्म के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए वो क्या कहना करना चाह रहा है। क्योंकि धर्म गीता में लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु बुर्मा ते संगोष्ठ कर्मणी, मतलब हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल जो है वो देने वाला जो बैठा हुआ है वो जरूर देगा। और रही बात भविष्य की, तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो हमारा भविष्य क्या बनाएगा? बस इतनी सी बात है। और रही बात भविष्य की, तो वो जो देखने वाले लोग हैं मुझसे लाख गुना पढ़े लिखे लोग भी हैं और मुझसे बेहतर जानने वाले लोग भी हैं, वो बस बेगूसराय की नहीं, वो हिंदुस्तान की जनता जानेगी और भारत की जनता जानेगी किसका विजय होता है। विजय कोई किसी की भी हो पर प्रजातंत्र फिर से जीतेगा, हमारा राष्ट्र फिर से जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। जी मैं अजीत कुमार कुशवाहा हूँ। बताइए। और जैसे मैं के हैं आप? मैं तो सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और जैसे मेरे दोस्त ने बताया बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आज का हमारे देश में नेता स्पेशली नेता के क्षेत्र में बनने के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जैसे कि बहुत ही जल्दी आदमी हाईलाइट हो जाता है मीडिया द्वारा, और इससे हाईलाइट होने के बाद पॉलिटिक्स में आ जाता है और रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो एज ए स्टूडेंट हम लोग यही सोचते हैं कि आजकल हम लोग शिक्षा देख ही सकते हैं कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कैसी यूनिवर्सिटी चल रही है, बीएससी है और ग्रेजुएशन में कर रहे हैं लेकिन समय पे नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमको लगता है कि अगर कोई भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो सिंसियरली उस काम को करना चाहिए। हालाँकि बहुत सारे नेता होते हैं जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और जीतने के बाद कुछ नहीं करते हैं। सो हम चाहेंगे कि वैसे आदमी को एज ए स्टूडेंट हम लोग वोट करें जो सिंसियरली स्टूडेंट के लिए और पूरी जनता के लिए अच्छा भला और भलाई के काम करें। क्या लग रहा है, निश्चित तौर पर कन्हैया? हाँ एकदम निश्चित। हाँ ये भारत विरोधी नारा भी देते हैं तो भी आप करें कन्हैया? हाँ एकदम कन्हैया। अगर भारत विरोधी नारा देते तो अभी थोड़े ये मतलब खड़ा होते या वो अभी तो जेल में रहते। चर्चा में कैसे आ गया कि कन्हैया कुमार वो अपोजिशन तो कुछ ना कुछ मतलब लगाएगा ना। अभी जो देश में जो चर्चा जो है वो है बेगूसराय का, कन्हैया बनाम गिरिराज सिंह। क्या लग रहा है कि जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया के प्रति ज़्यादा उबाल है? नो, कन्हैया के प्रति तो वो उनका बराबर वो कर ही नहीं सकते। कन्हैया कुमार ने जो स्टूडेंट के लिए किया जो सपोर्टिंग उन लोग की रही है वो तो खैर उनके बराबर में कोई आ ही नहीं सकते। कन्हैया कुमार की ही नहीं, एक स्टूडेंट की बात नहीं, ये ऑल स्टूडेंट ऑल इंडिया की बात है। हम कहते हैं ना एक फ्रेंडशिप करते हैं तो अच्छे से देख कर करते हैं कि वो कैसे हैं नहीं हैं, तो हम अपने पूरे देश को सौंप रहे हैं ना, तो वो हम लोग उनको देख कर पूरा अच्छी तरह से ही करेंगे। और
कन्हैया कुमार जितने अच्छे से सपोर्ट में रहे हैं स्टूडेंट के, शायद के और कोई नहीं रहे। क्या लग रहा है इस बार बेगूसराय से? आई थिंक बेगूसराय से तो कन्हैया कुमार निकलेंगे। पक्का लग रहा है? यस पक्का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए राहुल जी, बेगूसराय में एक हलचल मचा हुआ है, पूरे देश की निगाहें जो है आप पटना में है, लेकिन जो नज़र जो है वो पटना से बेगूसराय पहुंच गया है कन्हैया बनाम गिरिराज सिंह, क्यों? क्योंकि कन्हैया पूरे स्टूडेंट को सपोर्ट करता है, पूरे स्टूडेंट भी उसको, युवा लोग सपोर्ट करता है, और जिस तरह अगले चुनाव में मोदी की लहर था उसी तरह इस बार कन्हैया का बेगूसराय में लहर है, उसके विपक्ष में कोई नहीं है। और जहाँ तक गिरिराज सिंह, वो सिर्फ बोल रहे हैं, और इससे चुनाव से पहले वो कभी बेगूसराय गए भी नहीं, और कन्हैया का भी लहर है पूरे बेगूसराय नहीं, पूरे देश की युवा उसको सपोर्ट कर रहा है। और यह चुनाव कन्हैया जो बेगूसराय जो चुनाव है, ये पूरे देश के लिए एक माहौल बन गया है, और उसके युवा जो भी हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके गिरिराज सिंह उनके विपक्ष में कोई टक्कर नहीं है, अभी वो निर्विरोध जीतेंगे। कन्हैया कुमार तीसरा है तनवीर हसन। हाँ, उसके बाद तनवीर हसन हो सकते हैं, लेकिन पहला कन्हैया कुमार ही होंगे। तो अब देखना यह है कि बेगूसराय में टक्कर किनको दे रहा है, क्या गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार को चुनौती देंगे, टक्कर देंगे, या फिर कन्हैया कुमार सब पे भारी पड़ जाएंगे, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या तनवीर हसन हो। ये तमाम चीज़ें जो है बेगूसराय के लोग बखूबी जान रहे हैं। अब यहाँ तो हम है ही, यहाँ से तो लोग राय ले रहे हैं कि भाई कन्हैया जीतेगा कि गिरिराज सिंह जीतेगा कि तनवीर हसन जीतेगा। अब तो सवाल है बेगूसराय के जनता ही वाले। और मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार, एक बार फिर हम आपसे विदा लेने का समय आ गया है। बस अब मत का अधिकार कीजिए, जिनको विजय कीजिएगा तो बेहतर ढंग से कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं एक नए अंदाज में, एक नए उत्साह के साथ, फिर एक दूसरे स्थान पर मिलेंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं बाय बाय।